प्रॉमिसिंग इंडिया अपने सातवें साल के इस अवार्ड सेरेमनी में मैम हैं, हाउ हैज बीन योर चैलेंज एंड आज की शाम का जो अवार्ड सेरेमनी है उसका क्या हाईलाइट है? सबसे पहले तो धन्यवाद प्रखर आने के लिए इतनी ठंड में, और इन चैलेंजेस वी सी अपॉर्चुनिटीज। तो सात साल की जर्नी चैलेंजेस से भरी हुई थी पर अपॉर्चुनिटीज से भी। इस इवेंट का थीम हमने इनोवेटिव CSR प्रोजेक्ट रखा है, क्योंकि हमें लगता है कि इंडिया में CSR कैन बी अ मेजर रोल प्लेयर इन डेवलप्ड इकोनॉमी, बिकॉज इंडिया व्हेन इट इज़ लीडिंग टुवर्ड्स अ डेवलपमेंट गोल, CSR कैन बी द चेंज मेकर, इट कैन बी द टॉर्च बेयरर फॉर दोज हु नीड आवर हेल्प। तो अभी सातवें साल में हमारे प्रोग्राम का हाईलाइट है इनोवेटिव CSR प्रोजेक्ट, जिसमें हम सारे लोग जो सोसाइटी को अच्छा बनाने में आगे बढ़ रहे हैं उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, पुरस्कार दे रहे हैं। आज एक टॉक शो भी है, लोग अपनी बातों को रखेंगे, हम उसको आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे, और ये इस अवार्ड का थीम है। यदि अवार्ड विनर्स कब जरूर अभी थोड़ी देर में अनवेल करेंगे, कुछ हाईलाइट बताएंगे किस किन सेक्टर से आप अवार्ड दे रहे हैं? और ये अवार्ड इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हाउ दे शुड कंडक्ट देमसेल्फ टेकिंग द सोसाइटी ऑन बोर्ड, बिकॉज जनरली वो कॉरपोरेट में अपना स्टॉक मार्केट का नंबर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, CSR थोड़ा पीछे रह जाता है, और उसको आप प्रोत्साहित कर रहे हैं पिछले कई सालों से। जी, सात साल में लोग हमसे जुड़ते रहे हैं, हम लोगों को बताते रहे हैं कि ग्रास रूट पे काम करना कितना ज़रूरी है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन इट इज़ कम्बाइंड विद इनोवेटिव थिंकिंग, लाइक प्रॉमिसिंग इंडियन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो डिजिटल एज में काम कर रही है। हम स्मार्ट क्लासेस लगा रहे हैं, बच्चों को टैबलेट्स बांट रहे हैं, क्योंकि कोविड ने हमें सिखाया है कि ऑनलाइन शिक्षा कितनी इम्पॉर्टेंट है, और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी मानना है कि डिजिटल इंडिया इज़ आवर प्रायोरिटी। तो अभी हमें पेमेंट करने के लिए भी इंटरनेट की ज़रूरत होती है, तो वी आर पुटिंग पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट्स अंडर द नेम ऑफ PM वाणी प्रोजेक्ट्स, विच इज़ अ फ्लैगशिप ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। और आप लोगों ने बहुत सारे NGOs को भी सपोर्ट किया है, अवार्ड्स भी दिए हैं, और उनके प्रोग्राम में एज इक्वल पार्टनर और एज को पार्टनर आपने उनके साथ काम किया, हाउ हैज बीन दैट एक्सपीरियंस? बिकॉज CSR और जो आपने NGOs के साथ काम किया जिनको कोई नहीं जानता था, आज वो बड़े नाम हो रहे हैं, आज वो अपने आप को भी इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं। देखिए, मेरा मानना है कि आज के युग में सबको मिलकर आगे बढ़ना चाहिए, अगर हम एक दूसरे की हैंड होल्डिंग नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। और इंडिया जिसका विजन है डेवलप्ड नेशन बनने का, अगर हम सारे NGOs को ग्रुप वर्किंग में लगाएं, एक दूसरे की मदद में लगाएं, सब मिल के साथ में काम करेंगे, तो मुझे लगता है इंडिया कुड रीच टू इट्स डेवलपमेंट गोल्स वेरी इजीली। व्हाट इज द नेक्स्ट फ्यूचर गोल फॉर प्रॉमिसिंग इंडिया? We know that you have been not only organizing this award for last 7 years, but you have been working for decades altogether. We know, and the, your inspiration has been your father, who has been the amazing person all throughout, as much as I have met him. What is the goal that you want to take, and what is the vision that you want to take forward, and what is the inspiration that you want to make people come on this platform so that they learn and they enrich themselves? सात साल में जो हमने काम किया है एंड हाउ द पीपल हैव बीन सपोर्टिंग अस, वी हैव रीच टू 9 states ऑफ इंडिया एंड यू नो वी हैव बीन वर्किंग इंटरनेशनली, सो नाउ आई वॉन्ट टू रीच टू ऑल 28 states ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज। अभी एक महारत्न कंपनी ने हमें रेलवे स्टेशन को डेवलप डिजिटल कियोस्क लगाने का काम किया है, मुझे लगता है उससे लाइवलीहुड जनरेशन होगी एंड दैट विल सर्व अ पर्पस ऑफ यू नो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिया, क्योंकि नौकरी तो सभी देते हैं, अगर एक एंटरप्रेन्योर हम खड़ा करेंगे तो वो एक साथ 4-5 और लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा। तो हमारा यही गोल है कि आगे चल के 4-5 साल में एटलीस्ट वी शुड क्रिएट 30,000 to 40,000 एंटरप्रेन्योर्स, विच इज अचीवेबल गोल एंड वी आर मूविंग टूवर्ड्स इट। सात साल, सातवां साल गिरा, 7 years इच यू हैव पास्ड आई मस्ट से, एंड दैट इज फ्लाइंग कलर। मैम, आपने जो काम किया है वो लोगों को इंस्पायर ही नहीं करता, दे ऑल्सो सी यू एज योर रोल मॉडल, एंड दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच, आई नो यू आर बिजी, थैंक यू वेरी मच, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू द प्रॉमिसिंग इंडिया अवार्ड्स टुडे टुनाइट।